Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our mathematics subject of class 3rd. Now open your book students. Dear students, today I will teach you exercise 6.6 which is on page number 61. Dear students, इसमें हम 10 से डिवाइड करना सीखेंगे कि किसी भी संख्या को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आता है. राइट क्वेश्चन और रिमाइंडर ऑफ ईच डिवीजन. देखिए मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक एग्जांपल समझा देती हूँ. जैसे ये 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है. तो 5 जो है 10 की प्लेस पर बैठा है. ओके, देखिए 10 5 जो 15 50. 10 के टेबल में 50 कौन सी संख्या पे आता है? 5 पर. तो 10 5 जो 50, तो यहाँ पे क्या बचा? 0. ओके, उसी तरह से अब हमें बाकी सम्स भी करने हैं. तो क्वेश्चन आएगा हमारा जिससे हमने डिवाइड किया है वो क्वेश्चन 5, रिमाइंडर 0. चलिए 60 डिवाइडेड बाय 10, तो हम अगर हम 60 को करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका आंसर आएगा. देखिए 60 डिवाइडेड बाय 10, ओके 10 6 60, तो रिमाइंडर क्या आया? 0. और ये आया क्वेश्चन. और दिस इज रिमाइंडर. गट इट? उसी तरह से बाकी सम्स भी करेंगे. 89 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा 8 और रिमाइंडर आएगा 9. चलिए मैं आपको फोर्थ वाला सम करके दिखाती हूँ. पहले मैंने आपको 1 करके दिखाया, अब मैं आपको फोर्थ वाला सम करके दिखाती हूँ. 849 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 10. 10 8 जा 80, यहाँ बच्चा 4, ऊपर से हमने 9 कैरी किया, 49. 10 4 जा 40, अब यहाँ कितना बच्चा? 9. तो ये तो है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन. और दिस इज रिमाइंडर. ओके, तो इसी तरह से आपको बाकी सम्स करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. 1 and 4 मैंने आपके लिए किया, 2 and 3 आप खुद करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.